नमस्कार अरुण जेटली जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल काले धन को लेकर है, जो कि चुनाव के समय बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। काले धन को वापस लाने के लिए और हमारे सिस्टम में आगे जाके काला धन जनरेट ना हो, इन मुद्दों पे सरकार ने क्या कदम उठाए हैं दो वर्षों में? देखिए, पिछले दो वर्षों में सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है कि जो औपचारिक फॉर्मल इकोनॉमी है उसके संबंध में एक पैरेलल इकोनॉमी ना चले। आरंभ में कुछ लोग पकड़े गए जिनके एक टैक्स हेवन लिंचनस्टाइन में खाते थे। टैक्सेशन अथॉरिटीज ने सबके असेसमेंट पूरे किए, जो गैर कानूनी थे उन पे क्रिमिनल केसेस चलाए जो चल रहे हैं। बहुत बड़ा पूरे विश्व में कांड हुआ था कि एचएसबीसी के कुछ अकाउंट्स लीक हुए थे, स्विट्जरलैंड के साथ समझौता करके और प्रयास करके डिटेल्स लाए गए, उनके असेसमेंट पूरे हुए। 6,500 करोड़ का ब्लैक मनी जो विदेशों में एचएसबीसी में था वो असेस किया गया। उसके बाद आपने उन सब के खिलाफ जो गैरकानूनी थे क्रिमिनल केसेस चलाए। पहली बार एक कानून हम लोगों ने देश में बनाया जिसमें एक अवसर दिया लोगों का कि विदेश में कोई नाजायज पैसा है तो 60% टैक्स देकर उसको आप वापस लाइए, नहीं लाएंगे तो 10 साल तक सजा हो सकती है क्रिमिनल केस में। आज वो कानून कार्यान्वित हुआ, 4,500 करोड़ के करीब लोग वापस लेकर आए, बाकी कुछ लोग पकड़े गए हैं और जो गैर कानूनी पनामा में भी पाए जाएंगे उन पे भी वही केस चलेंगे। पिछले वर्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में हमने 71,000 करोड़ की इवेजन पकड़ी। अब हमने एक अवसर दे रहे हैं 1 जून से कि स्थानीय कालाधन जिन लोगों के पास है वो पेनल्टी देकर 45% देकर उसको सिस्टम में लाए। इसके अतिरिक्त कितने कदम हम लोगों ने उठाए, गोल्ड पे एक्साइज लाना ताकि वो औपचारिक व्यापार में आ जाए। उसके अलावा 2 लाख से अधिक अगर कहीं आप कैश में खर्च करते हो तो पैन कार्ड लाना। ये जितने कदम है ब्लैक मनी के प्रयोग को भी स्क्वीज करते हैं, जो लोग रखते हैं उनको एक डर भी आता है कार्रवाई का, और जहां खर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर भी एक अंकुश लगता है। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इस देश में कभी किसी सरकार ने इतने कदम उठाए होंगे जो पिछले दो वर्षों में हम लोगों ने उठाए। मेरा अगला सवाल जनधन योजना को लेकर है, जो कि आपकी सरकार के लिए बहुत मायने रखती है। आपने ये भी कहा है कि आगे कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ने में ये हमारी सहायता कर सकती है, इसको सिस्टम को इससे क्या लाभ है और ये कितना फीजिबल है? देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका अर्थ होता है कि बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से जो पैसा मिलता है, उधार मिलता है, जिसको लेकर कोई व्यवसाय चलाता है, कोई घर बनाता है, कोई वाहन खरीदता है, कि हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ा जाए। 2 वर्ष पहले 58% परिवार इस देश के बैंक से जुड़े थे, 42% नहीं जुड़े थे। पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ कि 21-22 करोड़ लोगों को 100 दिन के भीतर इस सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था के साथ जोड़ा। अब इनमें से 80% के गरीब लोग वो थे जिनके बैंकों में पैसा नहीं था। दूसरा कदम हमने ये उठाया कि जिस जिसको सरकारी सहयोग या सहायता मिलती है, कुछ को पेंशन मिलती है, कुछ को ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, कुकिंग गैस सब्सिडी या किसी प्रकार की सब्सिडीज मिलती हैं, अभी सारी इसमें नहीं जा पाई, सीमित जा पाई हैं, हमने आज लगभग 80% से ज्यादा ये अकाउंट्स फंक्शनल हो गए, लोग बैंकों से जुड़ गए। अब सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत इसी को जोड़ दिया कि 12 रुपए साल में आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, 350 रुपए साल में आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, हर व्यक्ति को रुपे कार्ड मिलेगा जो डेबिट कार्ड की तरह है, और आज करोड़ों लोग गरीब लोगों को भी वो कार्ड मिल गया जिसका वो प्रयोग कर सकते हैं। इसी को हमने जोड़ दिया मुद्रा योजना के साथ कि जो लोग अपनी दुकान, कोई
सड़क के किनारे पर रेड़ी लगाना चाहे या कोई छोटा उद्योग, कोई सलून बनाना चाहे, बोटीक बनाना चाहे, तो मुद्रा योजना के तहत बैंक औपचारिक लोन बैंकिंग रेट्स पे देंगे, जो आपको मनी लेंडर साहूकार के पास बहुत महंगा लेना पड़ता था। तो पूरी फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी पैकेज का ये एक हिस्सा बन गया और पूरा विश्व इसकी सराहना कर रहा है कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजना पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुई। आज विश्व की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक है। इन परिस्थितियों में खासकर कि अगर हम इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था को क्या फर्क पड़ा है और विश्व की तुलना में उसने कैसे किया? देखिए, विश्व पिछले कुछ वर्षों से बहुत गंभीर मंदी में है और अगर आप पूरी दुनिया की स्थिति देखें तो कई अर्थव्यवस्थाएं सुकड़ रही हैं, पहले से कम हो रही हैं, -2%, -1%। कुछ ऐसी हैं जो बहुत कम प्रगति करती हैं, 1.5%, 2% सबसे अधिक। पहली बार इतिहास में हुआ है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हम लगभग 7.5% से ग्रो कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यह बहुत तीव्र गति है, लेकिन हमारी अपनी उम्मीद से आज भी कम है। जब विश्व की ग्रोथ, उसका विकास आपकी अर्थव्यवस्था के पीछे चलता है, उसकी सहायता और मदद करता है, तो आपकी अपनी अर्थव्यवस्था की तेजी बढ़ती है। फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में हम 8-9% तक बढ़ सकते हैं, लेकिन जब दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमे हो तो इस गति को प्राप्त करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। मैं मानता हूं कि आज भी हमारे पे असर पड़ा है कि विश्व में व्यापार सुकड़ गया, छोटा हुआ। इसलिए कई बार, एक तो उसका कारण यह है कि तेल के दाम गिर गए, तो जो सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेल का था वो वैल्यू टर्म्स में बहुत कम हो गया, पहले से आधा हो गया, तो इसलिए भी आंकड़े उसमें कम लगते हैं, इसका ग्रोथ पे असर पड़ता है। लेकिन 2 साल बरसात भी कम रही और उसकी वजह से भी एक असर पड़ा। मुझे लगता है कि इस बार जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जिसको ग्रीन शूट्स कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, वो जो दिख रही है कई आंकड़ों से, अगर इस बार बरसात अच्छी हो गई और मेट डिपार्टमेंट मानता है कि 106-107% बरसात हो सकती है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उठाव आएगा, जिससे कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में एक लाभ मिलेगा। आपने बरसात की बात की, एग्रीकल्चर या कृषि अर्थव्यवस्था को देखें तो बरसात को अलग रखते भी कई वर्षों से स्थिति बहुत चिंताजनक रही है। अब 2 वर्षों में इसका समाधान तो निकल नहीं सकता, मगर तब भी भारतीय किसान के लिए इस सरकार ने क्या किया है? देखिए, आपको कृषि क्षेत्र में गाँव में साधन डालने पड़ेंगे। We'll have to pump in resources into the rural areas. वो डालने का तरीका क्या है? हमने तय किया कि 18,000 गांव देश में ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। अगले 2018 तक एक एक गांव में बिजली होगी। 18 में से 7,000 में हम पहुंचा चुके हैं। डेली बेसिस पे 6-8 गांव ऐसे हैं जिसमें बिजली आरंभ हो रही है, एक नया उजाला उनके लिए आता है। दूसरा, इस देश के 7,00,000 गांवों को हम पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं। जो गांव की सड़क के लिए आवंटन होता था उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया। 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को हाउसिंग फॉर ऑल यानी पक्के घर मिले, गांव के घर में शौचालय हो, टॉयलेट्स हो, स्वच्छता का एक हिस्सा बने। गांव की अर्थव्यवस्था सारी आपकी सिंचाई पे निर्भर रहती है और इसलिए सिंचाई हालांकि राज्यों का विषय है, लेकिन हमें उस सिंचाई के लिए और साधन केंद्र भी दे ताकि पानी की समस्या, जैसे पंजाब में सिंचाई अच्छी है क्योंकि कनाल सिस्टम है, हरियाणा में अच्छी है कनाल सिस्टम है, मध्य प्रदेश ने नदियां जोड़ दी, गुजरात ने नदियां जोड़ दी, आंध्र प्रदेश ने नदियां जोड़ दी, तो छोटे और बड़े दोनों इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम एक प्रकार से गाँव की अर्थव्यवस्था में इसमें साधन डालें। किसान को जो ब्याज मिलता है वो सस्ते दाम पर मिले और सबसे बड़ी जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हम लोग लाए हैं कि कम प्रीमियम देके, बाकी प्रीमियम सरकार देकर मदद करेगी, 1/4 प्रीमियम शायद किसान को देना पड़ेगा, उससे भी कम, और उसको जो नुकसान होगा मौसम की वजह से उसकी फसल का, वो पूरी रकम उसको मिल जाएगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जो गाँव में जब फसल बिगड़ती है तो किसान पैसा नहीं, ऋण उतार नहीं पाता,
और फिर परेशान होता है, कुछ आत्महत्या करते हैं, इस गंभीर परिस्थिति को रोकेगा? Both the Prime Minister and you have spoken several times about the need for a fair, transparent and predictable tax regime for the individual taxpayer, the corporate taxpayer and the international investor. How much have you achieved in this direction and what remains to be done? You see, India had a bad image, a terrible image in terms of aggressive taxation is concerned. And this got worsened when the previous government imposed a tax retrospectively, contrary to its own pronouncements. Now, anybody who invests in businesses wants predictability, he wants certainty, he doesn't want to be taken by surprise. And therefore, it's extremely important that the tax regime is predictable. Now, we have two kind of roadmaps as far as taxation is concerned. The first is, as far as direct taxation is concerned, there must be simplicity. We must have a dispute redressal. In fact, I have come out with several dispute redressal solutions where appeals are pending, etc., so that tax complications go away. No retrospective taxation at all. And on top of it, we need to moderate our corporate taxes a little so that more people are incentivized to invest so that more jobs are created in India. So I have now announced that India will have a maximum corporate tax rate of 25%, which is amongst the most competitive in the world, so that investors are emboldened in order to put their money in India. It's an attractive tax regime. Most of the exemptions would then be phased out. As far as indirect taxation is concerned, the GST, which the previous government had started, the Lok Sabha has cleared it, it's pending in the Rajya Sabha, and our proposal is that we should have a single taxation mechanism across the country. This will lead to the economic integration of India. You'll have a uniform tax regime across the country. You'll have a seamless transfer of goods and services across the country. And therefore, 1/6 of the world population housed in India will become a large, one big market. And I think this will bring taxation rates down in the long run. This will make the economy more competitive. It will make evasion more difficult. And it will add to a larger revenue, both as far as centers and states are concerned, and hopefully add to the GDP itself. Two principal challenges that remain for the BJP-led government and the economy are that of domestic demand, which you inherited a problem there, and the issue of jobs, which is, of course, such a compelling issue in India. As the BJP-led government enters year three, what is the roadmap looking like on these issues? I think, you see, in the midst of a global slowdown, to make an economy work is the real challenge. When the going is good, everybody is at his best. It's only when the going is very challenging and you have cross currents against you that you need to grow faster. That's the big challenge. And therefore, we have a problem of global demand today. And global demand impacts on domestic demand. Now, as far as urban demand in India is concerned, urban demand is on the rise. So you find a greater sale of automobiles, vehicles, cement sales are going up, some steel sales are going up. So the urban demand is increasing. I think the real challenge is, because 55%, 60% of the people are in villages, the rural demand has to increase. And indications of rural demand increasing are slowly coming in. The last two monsoons have adversely impacted rural demand. This year, hopefully, if we have a good monsoon, I think rural demand itself will increase. So you'll have tractors and two-wheeler automobiles and cement for housing, construction and so on. All these demands will improve. And the net impact of this will be that private sector, whose buoyancy has been a little less, our growth model is today dependent on public investment. So private sector also then gets into shape. And obviously, there would be an impact on the larger economy and the jobs itself. Thank you very much, Mr. Jaitley. That's all we have time for in this segment. All the best for the coming 3 years. Thank you.